ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मغلوب हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए, कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाकये में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीजा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोजख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया। और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगे तो कहना कि मैं और मेरे पैरव तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है।